أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور السلام عليكم من يوتيوب كيف حالكم हम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं क्योंकि हमारे ऊपर तो क़यामत ही टूट गई मैंने आपको बताया था कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो बहुत सख्त बीमार है और मेरे हस्बैंड और हम लोग प्लान करें पाकिस्तान जाने का लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले ही मेरी मदर इन लॉ जो है वो इस दुनिया से चली गई लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड चले गए मैं नहीं जा सकी लेकिन मैं इसीलिए उनको नहीं रोकना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से वो वेट करें या पासपोर्ट के लिए वो वेट करें और इस वेट में जो है वो देर ना हो जाए बहुत ज़्यादा क्योंकि अगर ऐसे मौके पे औलाद नहीं पहुंच सकती तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फर्स्ट मुहर्रम की रात थी और पाकिस्तान से बस कॉल आई जिस कॉल से हम डर रहे थे बस वही वाली कॉल आई कि इस तरह से हम नहीं गए अभी खैर उन्होंने दम जो है वो सामने ही तोड़ा क्योंकि पहले कॉल आई थी कि उनका सांस उखड़ रहा था बहुत ज़्यादा उखड़ रहा था रात को शाम का टाइम था मैं बच्चों को खाना वगैरह खिलाया खिला के मैं चली गई ऊपर हस्बैंड इसी तैयारी में थे कि बस पाकिस्तान जाना ही है ये वो तो कोरोना का टेस्ट और टिकट वगैरह हो चुकी थी सब कुछ <coughs> और कोरोना का टेस्ट भी जो है वो इमरजेंसी करवाया था बेडफोर्ड से कि वो मतलब अपॉइंटमेंट के बगैर ही ताकि जल्दी रिजल्ट आ जाए तो वो चले जाए हुआ कुछ है यूँ के वो मैं बच्चों को सलाया रात के दो का टाइम था मेरे हस्बैंड आए हैं काम से घर आया तो मुझे कहते हैं कि मेरी ना बहुत तबीयत ख़राब हो रही है मुझे समझ नहीं आ रही है मुझे घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा जाहिर है औलाद है पता चल जाता है इंसान को वहाँ पे अम्मी जी की तबीयत तो बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को पता चल गया था शायद तो उनकी काफ़ी ज़्यादा उनको बेचैनी सी हो रही थी तो उठाया उन्होंने मुझे खैर मैंने रोटी बनाई मैंने कहा शायद आप खाना नहीं खा रहे हो सही तरह इसलिए मैं रोटी बनाती हूँ आप खाओ अभी खैर खाना शुरू ही किया था कि पाकिस्तान से कॉल आना शुरू होगी मैंने कॉल उठाई तो मेरी जो सिस्टर लॉ है एक उनकी बेटी थी वो कह रही थी कि नानों की जो है वो सांस उख रही है तो साजिद ने मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप डॉक्टर को जल्दी बुलाओ ना डॉक्टर को बोलो कि वो आके देखें हॉस्पिटल में ही थी वो खैर डॉक्टर आए तो मेरे हस्बैंड एकदम से पीछे होके लेट गए मुझे कहते हैं सोफे पे बैठे थे मुझे कहते हैं मेरे दिल में कुछ हो रहा है मुझे ऐसा लगता है अम्मी को कुछ हो जाएगा मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा आप ज़्यादा परेशान ना हो देखना अभी फ़ोन आएगा वो बेहतर हो जाएंगी तो साथ ही फ़ोन आया है तो कैमरा सामने था वीडियो कॉल थी और मम्मी पे कैमरा लगाया हुआ था और वो कह रही थी मेरे हस्बैंड को के इनकी ना बहुत हालत ख़राब है तो साथ ही मेरे हस्बैंड को देखा है उन्होंने और मेरे हस्बैंड ने उनको देखा है आवाज़ दी है उन्हें बताया कि मैं आ रहा हूँ सुबह मेरे हस्बैंड ने बस इतना उनको बताया कि मैं सुबह आ रहा हूँ और उसके बाद जो है वो बस उनकी आंखें बंद हो गई और वो उनकी फिर बस वो फिर फोत हो गई वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग टाइम था और मेरे हस्बैंड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम था ख़ैर मैंने बहुत हिम्मत करी बहुत ज़्यादा मैंने बिल्कुल भी मतलब मैंने कोशिश की कि मैं रोँ ना लेकिन ऐसे मौके पे जितना मर्ज़ी ट्राई करें आप रोक नहीं सकते अपने आप को लेकिन मैंने पूरी कोशिश की जब तक मेरे हस्बैंड यहाँ से पाकिस्तान की फ़्लाइट तक गए नहीं मैंने बहुत हिम्मत की कोशिश की कि बहुत कम रहूँ लेकिन फिर भी खैर जहाँ हिम टूट जाती थी जवाब दे जाती थी वहाँ पे तो खुद ही रोना आ जाता था लेकिन जब हस्बैंड चले गए फिर पीछे मेरी अपनी तबीयत भी ख़राब हो गई ये जो आपको क्लिप नज़र आ गए हैं ये हॉस्पिटल गया मेरा बीपी शूट कर गया था फिर मैं हॉस्पिटल में रही सारा दिन सारी रात क्योंकि बीपी जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गया था अभी जो है वो मैं घर आ गई वापस और पाकिस्तान में नमाज जनाजा भी हो गई है सबका बहुत शुक्रिया आप सब ने दुआ की अल्लाह हाफि